नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा नाडिया, नीडर नाडिया, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। नीडर नाडिया, इन्हें मेरी इन इवान उर्फ मेरी इवान वाडिया उर्फ नीडर नाडिया फिल्म जगत की एक अभिनेत्री और स्टंट नायिका थी, जिन्हें 1935 में साहसी नकाबपोश हंटरवाली के रूप में याद किया जाता है। यह फिल्म भारतीय सिनेमा में महिलाओं को मुख्य भूमिका में प्रस्तुत करने वाली शुरुआती फिल्मों में शुमार किया जाता है। नीडर नाडिया का जन्म 8 जनवरी 1908 में पर्थ पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। उनका मूल नाम मेरी इन इवांस था। वो मार्गेट व स्कॉटलैंड के मूल निवासी हर्बर्ट इवांस की बेटी थी। हर्बर्ट ब्रिटिश सेना में एक स्वयंसेवक थे और भारत आने के पहले वे ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। इवान महज 1 वर्ष की थी जब उनके पिता के रेजिमेंट की बॉम्बे के लिए बदली कर दी गई। इस तरह इवान 1913 में 5 साल की उम्र में अपने पिता के साथ बंबई चली आई। सन 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनों के हाथ उनके पिता की असामायिक मृत्यु के फलस्वरूप उनका परिवार पेशावर, अब जो पाकिस्तान में है, वहां बस गए। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में रहने के दौरान उन्होंने घुड़सवारी, शिकार, मछली पकड़ना, निशाना लगाना सीखा। 1928 में अपनी मां और अपने भाई जोन्स, जिनके बारे में बहुत ज्यादा मालूम नहीं है, उनके साथ बंबई लौट आई और यहां मैडम एस्ट्रोवा से बैले नृत्य सीखा। नाडिया ने पहले पहल बंबई के सेना और नौसेना दुकानों में बतौर सेल्समैन नौकरी की, फिर एक बेहतर नौकरी पाने के लिए शॉर्ट हैंड और टाइपिंग सीखना चाहती थी। एस्ट्रोवा को मंडली ब्रिटिश सैनिकों के लिए सैन्य ठिकानों पर और भारतीय राजघरानों और आम लोगों के लिए धूल भरे छोटे कस्बों और गांव में प्रदर्शित करती फिरती। यही उन्होंने गुलाटी मारना सीखा। इस तरह के अनेकों कर्तव्य में महारत हासिल कर ली जो बाद में उनके फिल्म के स्टंट के रूप में बेहद काम आई। नाडिया ने बतौर थिएटर कलाकार भारत के कोने कोने में भ्रमण किया और सन 1930 में जाकर सर्कस में काम करने लगी। फिल्म से उनका परिचय वाडिया मूवीटोन के JBH जमशेद वाडिया ने कराया। अविश्वास के बावजूद जमशेद ने नाडिया को देश, दीपक और नूर यमन जैसी फिल्मों में छोटी मोटी भूमिका दी। इनमें प्रसिद्धि पाने पर सर्कस में उनके कार्य अनुभव को देखते हुए जमशेद और उनके भाई ने नाडिया को स्टार बनाने का फैसला कर लिया। दोस्तों, फेयरलेस नाडिया का नाम सुनते ही ऐसी लड़की दिखाई देने लगती है जो बेखौफ होकर स्टंट करती थी और बेखौफ होकर जिया करती थी। सन 1930 से लेकर 1950 के बीच में बॉलीवुड फिल्म जैसे कि डायमंड क्वीन, हंटर वाली, शेर दिल और तूफान क्वीन में फेयरलेस नाडिया को दिखाया गया है। इन फिल्मों में नाडिया बेखौफ अंदाज में स्टंट करती हुई नजर आई थी। ये पहली एक्शन हीरोइन थी जिसे हम फेयरलेस नाडिया के नाम से हम जानते हैं। 40 के दशक में हिंदी सिनेमा में एक ऐसी अभिनेत्री ने कदम रखा था जिसका नाम है फेयरलेस नाडिया। इन्होंने अपने हैरतअंगेज स्टंट्स के दम पर सबको भौचक्का कर दिया था और इनसे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे होमो वाडिया, जो बाद में इन्होंने इनसे शादी कर ली। बढ़ती उम्र की वजह से नाडिया ने
फिल्म पर्दों से दूरी बना ली। सन 1986 में 9 जनवरी के दिन उनका निधन हो गया। इस समय वो 88 साल की थी। सन 1994 में नाडिया के परपोते रियाद विच्ची वाडिया ने उनके जीवन और एक वृत्त चित्र फेयरलेस द हंटर वाली स्टोरी का निर्माण किया। इसे 1993 के बर्लिन अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में देखकर डोरिथी वेनर नामक एक जर्मन स्वतंत्र लेखक ने फेयरलेस नाडिया द ट्रू स्टोरी ऑफ बॉलीवुड ओरिजिनल स्टंट क्वीन की रचना की, जिसका 2005 में अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। माना जाता है कि विशाल भारद्वाज की हिंदी फिल्म रंगून नाडिया के जीवन और समय पर आधारित है। फिल्म में उनका किरदार कंगना रनौत ने निभाया था। नाडिया का विवाह होमो वाडिया से 1961 में हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।